हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल माई कार इन्फॉर्मेशन में। गाइस, ह्यूंडई इंडिया अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 का नया मॉडल इसी फेस्टिवल सीजन में लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने इस कार का नया टीजर भी जारी किया है, जिसमें कार के कॉर्नर को दिखाया गया है। जैसे इसमें इसकी फ्रंट ग्रिल और नए हेडलैम्प भी दिख रहे हैं और इसमें कुछ चेंजेस भी नजर आ रहे हैं। अब इसमें नए LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगे। कंपनी इसकी लॉन्चिंग डेट जल्द ही शेयर करेगी। भारतीय बाजार में नई i20 का मुकाबला मारुति बलिनो, टाटा अल्ट्रोज, टोयोटा ग्लेंजा जैसे मॉडल से होता है। ह्यूंडई i20 के नए मॉडल के डिजाइन की बात करें तो इसमें ज्यादातर एलिमेंट्स यूरो स्पेक i20 फेसलिफ्ट से लिए गए हैं। इसमें कुछ नए कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं। अभी i20 में कस्टमर को पोलर व्हाइट, स्टारी नाइट, टाइटन ग्रे, टाइफून सिल्वर, फियरी रेड, ब्लैक रूप के साथ पोलर व्हाइट और ब्लैक रूप के साथ फियरी रेड के कलर ऑप्शन मिलेंगे। इसमें एकदम नए अलॉय व्हील्स और टेल लैंप्स में जेड शेप्स के LED इंसर्ट्स के साथ अपडेट रियर सेक्शन मिलने की उम्मीद है। और अब बात करें इस प्रीमियम कार के इंटीरियर की, तो यहाँ पर कंपनी से अपग्रेड कर सकती है। इसमें माइक्रो SUV एस्टर की तरह सेफ्टी डैश कैम दिया जा सकता है। इसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग भी मिलने की उम्मीद है। इसमें नया एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी वाला 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ कार में इंटीरियर थीम के हिसाब से अपहोस्ट्री भी मिल सकती है। और बात करें न्यू ह्यूंडई i20 में यूज किए गए पावर ट्रेन के बारे में, तो मौजूदा i20 में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 83 bhp की पावर और 114 Nm टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसमें दूसरा ऑप्शन 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि 120 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 5 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड DTC ऑटोमेटिक और CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। और माना यह जा रहा है कि कंपनी इसके नए मॉडल में इसी इंजन का इस्तेमाल करने वाली है। गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।